आदमी आदमी दो तरीके का होता है, सिर्फ दो तरीके का, एक होता है कच्चा आदमी, एक होता है पक्का आदमी। कच्चा आदमी वो होता है जो मुसीबत आने पर मुसीबत की तरफ पीठ करके खड़ा होता है, और पक्का आदमी वो होता है जो मुसीबत आने पर मुसीबत के मुंह पे थप्पड़ मार रहा होता है। कुछ ज्ञानियों ने एक तीसरे आदमी की बात भी कही है। अरे नहीं, ये वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये आदमी हर जगह पाया जाता है, हर छोटे बड़े शहर में, हर गली मोहल्ले के कोने की ईंट के नीचे छुपा रहता है। ये कहीं बाहर नहीं आता, वो छुपा रहता है क्योंकि इसको शर्म आती है। ये कभी सर उठा के नहीं चल सकता, इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होती है, ऐसा ये कहता है। जबकि मेरा मानना यह है इसकी रीढ़ की हड्डी होती नहीं है, और यह बीमारी हमारे देश के 70% लोगों के अंदर है। ये लोग मुसीबत का सामना करते ही नहीं है, मुसीबत के आते ही बस ईंट के नीचे छुपके बैठ जाते हैं। बस इनका काम होता है दूसरों के काम में कमी निकालना, दूसरों की बुराइयां करना। इतिहास में लिखा है भारत को अभिशाप है, जहां पे एक राम होगा वहां पे एक रावण होगा, जहां पे कृष्ण होगा वहां पे कंस भी होगा। पुराने जमाने में लोग खंजर लगे घूमते थे, लड़ने के लिए नहीं, मौका मिलते ही ना पीठ में घोंपने के लिए। अरे इज्जत बचाई तो हमारे देश की औरतों ने, अरे पन्ना भाई ने जान गवा दी राजकुमार उदय को बचाने के लिए, झांसी की रानी दत्तक पुत्र को पीठ से बांधकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेजी सेना को चीरते हुए निकल गई। और ये वो तलवार नहीं है जो अपनी बेटी आरुषि के कत्ल विद्रोह में आज भी सजा काट रहा है, ये वो तलवार है जिसके तेज धार से अंगूठा काटकर माथे पर तिलक किया जाता है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं, अरे मैं क्यों समझा रहा हूं आप लोग को यार। थैंक यू।